सब हाथ ऊपर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश अन्ना बोले तुम आगे बढ़ो, सब हाथ ऊपर करो। अन्ना बहु तुम आगे बढ़ो, अन्ना बहु तुम आगे बढ़ो। वो मोबाइल नीचे रख के हाथ ऊपर करो, मैं फोटो ले रहा। हम सब हिमालय तन आमच हक्काचा, हिमालय तन आमच हक्काचा। होत कसा नाही झालत पाहिजे, होत कसा नाही झालत पाहिजे, होत कसा नाही झालत पाहिजे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। अभी हम मौजूद है महानगर पालिका के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग कामगार एकता संगठन अमरन उपोषण पर बैठे हैं, और ये जो लोग उपोषण पर बैठे हैं ये औरंगाबाद की सफाई करने वाले लोग हैं, और इनकी काफ़ी मेहनत होती है। आज जो औरंगाबाद शहर जो चमकता हुआ आपको नज़र आता है, इन्हीं लोगों की मेहनत होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेड्डी कंपनी का ये टेंडर है, और इनकी जो मांगनी है किमान वेतन की मांगनी है, इनकी जो शासन ने जो ऑर्डर दिए है वो ऑर्डर के मुताबिक इनको जो है तो इनका किमान वेतन मिलना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि महानगर पालिका क्यों रेड्डी कंपनी को बर्दाश्त कर रही है, और क्यों रेड्डी कंपनी को आदेश नहीं देती है ये कि जो किमान वेतन है उस हिसाब से ही इनको जो है तो इनकी किमान वेतन देना चाहिए। आइए यहाँ पर जो है तो हमारे साथ में जो अमरन उपोषण पर जो लोग बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं, आखिर इनकी मांगनी क्या है और कितना इनको है तो तकलीफ झेलना पड़ रही है रेड्डी कंपनी की तरफ। जो है तो यहाँ पे आप अमरन उपोषण पर बैठे हैं, आपकी मांगनी क्या है बताइए। मैं कामगार एकता संगठन से बोल रहा हूँ। हमारी मांगनी ये है कि 24/2/2015 से जो शासन ने जीआर निकाला है किमान वेतन से, ऑल कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले को पेमेंट आधा करो, ये लोग वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग खाली 9,000-10,000 पेमेंट दे के सबको उल्लू बना रहे हैं, और मनपा प्रशासन इस पर कुछ ही निर्णय नहीं ले रहे। हमने गए पिछले 6 महीने पहले ही एक आंदोलन किया था, बीच में शिव जयंती आई तो हमने वो आंदोलन पीछे लिया, उसमें हमको 1200 रुपये बढ़ाए, किसको 1600, जिसको 3 साल हुए उसको 1600 दिए, जिसको 2 साल हुए उसको 1200 दिए, जिसको 1 साल हुआ उसको 800 दिए, जिसको 11 महीने हो गए उसको कुछ भी नहीं मिला। हमारी एक ही मांगनी है कि हमको किमान वेतन से पेमेंट अदा करो, हम अमरन उपोषण पीछे लेने के लिए तैयार है। अभी आपको कितना मिल रहा है, अगर किमान वेतन से अगर पेमेंट दे आपको तो कितनी होंगी आपकी? हमारी होंगी 21,199, अभी मिल रही हमको 12,100, काट के आती है 10,100। हाँ, तो क्या कहेंगे महानगर पालिका के कमिश्नर कुछ इसके ऊपर? महानगर पालिका अभी घनकचरा प्रमुख साहब ने बोले है, सोमवार के दिन पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी से व्यवस्थापक मुरली रेड्डी सर आने वाले हैं, 3 बजे मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया है उनको, वो आएंगे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम हमारा निर्णय लेंगे। हमारे तरफ से अच्छा निर्णय हुआ तो हम अमरन उपोषण पीछे लेंगे, नहीं तो मंगलवार से काम बंद आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था सुबह 6 बजे, मैं खुद आया था शोध करने के लिए, उस टाइम पे आपकी मांगनी पूरी हो गई थी, क्योंकि आपने उस टाइम पे अपना जो बंद का ऐलान आपने किए थे वो सडनली 1 घंटे में वापस ले लिया था। मैं ये आंदोलन हमने 4 महीने पहले 14 तारीख को आंदोलन किया था, वो आंदोलन में हमारी कॉरपोरेशन के साथ और रेड्डी कंपनी के साथ में मीटिंगें हुई, मगर रेड्डी कंपनी ने बोला कि कॉरपोरेशन को ये लोग हमारा डीजल चुराते हैं, चोर है, भंगार चुराते हैं, मगर भंगार ये लोग इसलिए निकलते हैं कि भंगार के ऊपर इनकी रोजी रोटी चलती है, 50 रुपये को पेट्रोल पानी का खर्चा निकलता है, और भंगार वो पहले से जब तक सूरज चांद है तब तक भंगार चालू रहने वाला है, वहाँ पे परमानेंट लोग खुद पर भंगार निकलते हैं। दर्शकों को खुल के बताइए, भंगार निकालते हैं मतलब कहाँ से निकालते और कैसे मिलते हैं? चुनते कचरे में, जो कचरे में एस्ट कचरा कचरे में भंगार लोग डालते हैं, तो वो कचरे के बाजू में लोग बोरी में निकलते हैं, और वो थोड़ा बहुत 150 रुपये का मिलता है। तो सामने वाला चोरी का आरोप लगाता है। हमारी मांग यही है कि महाराष्ट्र राज्य में जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ग्राम पंचायत छोड़ के
पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किमान वेतन लागू हुआ है और किमान वेतन सब सेक्शन को लागू हुआ है। अभी हमारा जो किमान वेतन का जो मुद्दा है, हमने जो अमर उपोषण रखे हुआ है कि जो माली डिपार्टमेंट है, उद्यान डिपार्टमेंट, रेड्डी कामगार, रेड्डी घंटा गाड़ी कामगार, वाहन चालक, यांत्रिकी विभाग, शिक्षण विभाग, मलेरिया विभाग, फवरणी विभाग इत्यादि जो डिपार्टमेंट है, सर्व डिपार्टमेंट यानी महानगर पालिका के इसमें जितने डिपार्टमेंट आते हैं उनको सबको किमान वेतन लागू होना चाहिए। और दूसरी बात एक ऐसी है कि जो माली कामगार महिला है उनकी 17 महीने की पेमेंट हुई नहीं है, वो 3 से 4 साल बीत गए मगर अभी तक उनका वो वेतन का निकाल लगा नहीं है। वो बोल रहा हमारे पास इनका हाजिरी नहीं है, ये नहीं है, इनका टेंडर नहीं निकला, मगर ये लोग तो कॉरपोरेशन का ही काम करते थे, मूल मालिक कॉरपोरेशन है और हम कॉरपोरेशन को ही मांग कर रहे हैं कि हमारा 17 महीने का वेतन आधा कीजिए। जब तक हमारी मांगना पूरा नहीं होंगे किमान वेतन से तब तक हम उपोषण पीछे लेने वाले नहीं है। और उसके बाद में भी हमारी इधर से मांगनी पूरी नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। और कोई बोलने वाले हैं? हाँ, मैं कामगार एकता संगठन संजय जाधव शहर अध्यक्ष। साहब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ में जो लेडीज बैठी हुई है और ये जो पीछे मेरे साथ में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी है ये रेड्डी कर्मचारी, रेड्डी के कंपनी में हम कचरा बेचा कर गाड़ी चलाने का काम करते हैं। और जो बाजू में जो महिला बैठी है ये महिला जो है तो ये गार्डन का काम करती है, ये महिला पूरे गार्डन का काम करती है। ये महिलाओं का सबसे एक मुद्दा है कि इनको 17 महीने का इनका एक पेमेंट रुका के रखे हुआ है 2017-18 में। उस टाइम पे इनको ये हुआ था कि इन्होंने किसी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दिए थे और वो वर्क ऑर्डर नहीं देने की वजह से इन्होंने पूरा इनका ये लोगों का पैसा रुका के रख दिए। आज पैसा मांगने को जाते तो बोलते तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है, ये चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ें नहीं मिली, ये बहाने बन के इनको ये कर देते। ये महाराणा एजेंसी में काम करते, महाराणा ने इनका 4 साल 3 साल इनका पीएफ नहीं भरा। सकते यहाँ पे रेड्डी कंपनी के जो कर्मचारी जो वेतन के लिए जो है तो यहाँ पर अमरण उपोषण पर बैठे हैं। अभी हम महानगर पालिका के सामने हैं और अभी हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाने वाले हैं जो महिलाओं ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेल के काम किया और काम करने का एक भरोसे पे किया महानगर पालिका के, जब हम काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मानधन महानगर पालिका अदा करेगा या देगा। लेकिन पिछले 2 साल से जो है तो इनको 1 रुपया भी नहीं मिला। आइए जानते हैं इनसे कि क्या वजह है, क्यों इनको इनकी पेमेंट नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे आप, क्यों आपको पेमेंट नहीं दी जा रही महानगर पालिका? सिडको अडकोतील माळी कामगार आहेत आम्ही। गेले कोरोना काळामध्ये आमची 17 महिन्याची पेमेंट आहे। आम्ही वारंवार महापालिकेला निवेदन दिलं, आम्हाला उपोषण केलं याच्या आधी पण 2 वेळेस, तरी अधिकाऱ्यांनीच ते आश्वासन दिले आम्हाला, आमच्याकडून कागद लेखी घेतले, लेखी दिले, तरी पण त्यांनी आम्हाला काही 1 रुपया दिलेला नाही। आता पण जे ठेकेदार आहे तो आमचा पीएफ भरत नाही, असंही भरत नाही, आणि आता 3 महिन्याची पेमेंट त्याच्याकडे थकीत आहे। आम्ही वारंवार त्यांना म्हणत असतो, आमच्याकडे दुखणे असते, भाने असते, आम्हाला दवाखाने, बीपी, आम्हाला गोळ्या लागते, औषध लागते, तो तिथं उभा राहून देत नाही आम्हाला। तो सरळ म्हणतो तुम्ही महापालिकेत जा। कोरोना काळामध्ये केलं होतं, 17 महिन्याची पेमेंट कोरोना काळातली आहे आमची। ते म्हणते तर आता देऊ आम्ही, 15 दिवसांनी देऊ, 1 महिन्यानं देऊ, असे निसते त्याने झालेली आहे। हाजरी लागा ते घेत नव्हते हाजरी, ते काय म्हणायचे येत नाही, आम्ही कोरोना चालू आहे म्हणून सनी, आता तुम्ही कामं करत राहा, आम्ही कामं करत राहिलो। हा, मेरा नाम राधा बंडू अर्जुन। और महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, क्या आपको कितने महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही है और क्या अपील करेंगे महानगर पालिका कमिश्नर साहब से? कमिश्नर साहब से यही अपील करेंगे कि हमारे किमान वेतन से पेमेंट करना और महीने के महीने में पेमेंट होना, पीएफ पैसा पूरा महीने के महीने में जमा होना। ये जो आपको पेमेंट मिली है ये कोरोना काल की काम में काम किया हुआ? हाँ, कोरोना काल की 17 महीने। कोरोना काल में आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाते थे? जाते थे ना, रोज पैदल जाते थे, रोज कभी रिक्शा नहीं मिलती थी, गाड़ी नहीं मिलती थी, गार्डन में गार्डन साफ सफाई, झाड़ू यूडू, हाँ सब सब कुछ। हाँ, अर्चना वाघमारे।
17 महीने लगभग कितनी होना चाहिए आपको, कितनी पेमेंट मिलने वाली है? वो टोटल नहीं, बस 17 महीने की पेमेंट। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे जो है तो रेड्डी कंपनी के कर्मचारी और कोरोना काल में महाराणा एजेंसी के कर्मचारी महिलाएं यहाँ पर अमरण उपोषण पर बैठे हैं और दोनों का एक ही कहना है कि मान वेतन से हमारे को जो तो वेतन दिया जाए। तो आखिर में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि इस मामले में कमिश्नर साहब ने अपनी दखल लेना चाहिए, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। रेड्डी कंपनी क्यों इनके साथ में ना इंसाफी कर रही है, और जो इन महिलाओं ने कोरोना काल में अपने जान पर खेलकर बाहर निकल के अपने औरंगाबाद शहर के गार्डन को, बगीचों को साफ सुथरा रखा, उनकी पेमेंट भी इनको मिल जानी चाहिए। और जितना हो सके जल्द से जल्द इनके काम में दखल लेकर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप देख रहे थे मेरा चैनल कौमी सियासत अब तक। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं असगर अली।